दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स दोस्तों इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होते हैं। माँ का प्यार और ममता अपने बच्चों के प्रति उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बना देती है। इस दुनिया में एक माँ बाप का प्यार ही सच्चा होता है जो अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। दोस्तों माँ के प्यार की बराबरी दुनिया में किसी भी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती। फिर माँ का प्यार चाहे इंसानों का हो या जानवरों का, इसे अनकंडीशनल और ट्रू लव कहा जाता है। ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है जिनकी सांसें अपने बच्चों में बसते हैं। अगर उनका बच्चा ठीक है तो उन्हें लगता है मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। दुनिया की सारी माओं का दिल एक ही तरह से धड़कता है। आज के इस वीडियो में हम माँ के इस जज्बे और उनकी कुर्बानी के कई सारे सबूत देखेंगे। हम देखेंगे कैसे अपने बच्चों की जिंदगी की रक्षा की खातिर माँ बड़े से बड़े खतरे से भी अकेले ही टकरा जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए माँ की ममता को देखें। यकीन मानिए आप इन जानवरों में जो ममता देखेंगे वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 15, लायंस। दोस्तों ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, आपने शायद ही कभी ऐसा देखा होगा। जी दोस्तों इस वीडियो में माँ तो एक शेरनी है मगर बच्चा शेर का नहीं बल्कि एक गाय का है। हो गया ना आप हैरान? शेरनी से खाने की जगह इसे दुलार कर रहे हैं। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई मगर इतना पक्का है शेरनी इस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जैसे एक दूसरी शेरनी ने बच्चे पे हमला किया तो कैसे इस शेरनी ने उस बच्चे को बचाया। यानी इस बच्चे के लिए ये शेरनी बाकी शेरनियों से भी पंगे लेने के लिए तैयार है। इतना खूबसूरत बॉन्ड सिर्फ माँ और बच्चे के बीच ही हो सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों कॉमेंट में जरूर बताएं। नंबर 14, दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब एक हाइना ने चीता के बच्चों पर हाथ डालने की कोशिश की तो क्या हुआ, हाइना पे चढ़ के मारा उसको चीता मम्मी ने। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक चीता मम्मी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर का सामना करते हैं। चीता जानती है कि वो शेर से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपने बच्चों की ओर बढ़ते शेर के कदमों को रोकने के लिए चीता ने खुद को ही चारा बनाकर शेर के सामने पेश कर दिया और शेर को भगाकर अपने बच्चों से दूर ले गए। आखिरकार चीता शेर के गिरफ्त में आ गई और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक माँ ने अपने प्राण कुर्बान कर दिया। ऐसी माँ को दिल से सलाम है दोस्तों। नंबर 13, लायनेस। दोस्तों ये बात तो सच है कि लायन जंगल का राजा होता है तो उसके बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है भला? कोई और तो नहीं मगर दूसरी टेरिटरी का राजा यानी शेर तो ऐसा कर ही सकता है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं दूसरी टेरिटरी से आए इस शेर ने इस टेरिटरी के शेर को मार दिया है और अब उसके बच्चों को मारकर उसका वंश ही खत्म करना चाहता है। मगर वो भूल गया कि उसकी माँ भी जिंदा है। अगर माँ जिंदा हो तो किसी के क्या मजाल जो उसके बच्चे को टेढ़ी नजर से देख सके। इसके बाद तो इन चारों शेरनियों ने एक साथ शेर पे हमला कर दिया। बेचारा शेर हक्का बक्का रह गया। बच्चों पर हमला करना तो छोड़िए, उसे तो अपनी जान बचाने की फिक्र हो रही है। नंबर 12, डियर। यहाँ देखिए हिरनों के झुंड को नदी के उस पार जाना है मगर पानी में यमराज बैठा है। पानी में तैरते हुए शैतान मगरमच्छ को सयाने हिरन तो देख लेते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं मगर इस मासूम को क्या पता कि मगरमच्छ किस बला का नाम है। ये तो उछलता कूदता पहुंच जाता है पानी के अंदर और जैसे ये मगरमच्छ बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ता है सबको खतरे का एहसास हो जाता है। कहावत भी है दोस्तों पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ तो माँ होती है। दोस्तों जब बच्चों पर किसी तरह का खतरा महसूस हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। उसके बाद अपने बच्चों के ऊपर मंडराते मौत के साए को देखकर ये हिरनी भी बच्चों को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं मगर जब उसे लगता है वो बच्चे को खुद नहीं बचा पाएगी तो अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देती है। मगरमच्छ ने माँ को धर दबोचा और बच्चा निकल जाता है। ऐसी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही दे सकते हैं। नंबर 11, जीब्रा। इस वीडियो में एक शेरनी एक जीब्रा के बच्चे पे हमला बोल देती है मगर जीब्रा की माँ उसे शेरनी के चंगुल से छुड़ाने के लिए जी जान लगा देती है। छोटू जीब्रा और उसकी माँ बड़ी देर तक शेरनी के साथ मशक्कत करते रहते हैं। आखिरकार माँ अपने बच्चों को छुड़ाने में कामयाब होती है और शेरनी को मुंह की खानी पड़ती है। नंबर 10, स्लॉथ बेयर। इस वीडियो में एक टाइगर ने एक भालू के बच्चे को शिकार बनाने का फैसला किया और उस पर हमला करने का प्लान बनाया मगर जैसा कि होना ही था टाइगर को पहले उसकी माँ से निपटना पड़ा। टाइगर के यहाँ छोटा भालू तो लगा नहीं और ऊपर से इस मम्मा भालू की मार और खानी पड़ गई। बहुत देर तक दोनों के बीच कुश्ती होती रही और आखिरकार टाइगर को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। मम्मी भालू ने आज अपने बच्चों के लिए टाइगर जैसे खूंखार जानवर को भी धूल चटा दी। ये होती है एक माँ की ताकत। नंबर 9, चिकन। इस वीडियो में आप एक सांप और मुर्गी की भिड़न देखेंगे। बेचारी मुर्गी आराम से बैठकर अपने अंडों को सेक रही है मगर कहीं से भूखा सांप यहाँ आ जाता है और अंडों को निगल लेने की ताक में बैठा रहता है मगर जैसे ही वो कुछ हरकत करता है मुर्गी उसे अपने मुंह से पकड़ के उसका मुंह नोच लेती है। दोस्तों ऐसा कई बार देखा जा चुका है जब मुर्गी ने सांप को दिन में तारे दिखा दिए हो। यहाँ तो मुर्गी सांप पे चढ़ बैठी है, लगता है आज सांप के प्राण लेके ही मानेगी। जब बात अपने बच्चों की रक्षा की आती है तो मुर्गियाँ सांप से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाती है। नंबर 8, बफलो।
इस वीडियो में भैंस अपने बच्चों को इन जंगली और खूंखार भेड़ियों के चंगुल से बचाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये भेड़िए इस भैंस के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, मगर माँ बार बार अपने बच्चों को बचाने के लिए बीच में आ रही है। कई बार तो भैंस ने अपने आप को ही भेड़ियों के सामने खड़ा कर दिया बगैर अपनी जान की परवाह किए। अपने बच्चों को बचाने का इस हद तक का जुनून केवल एक माँ में ही हो सकता है। आखिरकार ये जद्दोजहद चलते चलते भैंसों के झुंड तक पहुँच जाते हैं। यहाँ ये बच्चा और उसकी माँ दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। भेड़िया अब यहाँ पर उन पर हमला करने की भूल नहीं करेंगे। नंबर 7, जिराफ। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। लकड़बग्घे का एक ग्रुप जिराफ के बच्चे को घेर कर घायल कर देता है। बेचारा कैसे लंगड़ाते हुए इधर से उधर अपनी माँ को ढूंढता फिर रहा है, मगर ये लकड़बग्घे हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मगर तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और इस लंबी तगड़ी माँ को देखकर इन नालायकों की अकल ठिकाने आ जाते हैं। नंबर 6, पुलबिया। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये सफेद भालू मम्मी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि एक काला भालू बच्चे को चुराने के काले इरादे के साथ धीरे धीरे उन्हीं की ओर कदम बढ़ा रहा है। मगर जैसे ही सफेद भालू ने काले भालू को देखा, पकड़ के ऐसा पीटा कि उसकी दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ही नहीं होगी। इस वीडियो में इस बार एक भेड़िए ने भालू के बच्चों पे नजर डाले, मगर एक माँ से पंगा लेना कोई आसान काम तो है नहीं। इस भेड़िए का भी वही अंजाम हुआ जो उस काले भालू का हुआ था। नंबर 5, काऊ। यहाँ एक आदमी जो उसके बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके पीछे सींग लेके दौड़ पड़े। बेचारे आदमी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। गायों को ये समझ नहीं आता कि कोई उनके बच्चों की मदद कर रहा है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो तो बस देखती है कि किसी ने उसके बच्चे को हाथ लगाया और बस उस पे टूट पड़ते हैं। अब इस वीडियो में देखिए कैसे इस आदमी के पीछे पड़ी है ये गाय। बेचारे ने तुरंत ही उसके बच्चे को छोड़ दिया, मगर गाय ने उसे नहीं छोड़ा, उसे दौड़ा दौड़ा के मारा। नंबर 4, पेंगुइन। ये वीडियो बहुत मजेदार है। यहाँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार अपने बच्चे की जान बचाने में लगा हुआ है। जब इस बड़ी सी पेट्रोल चिड़िया ने एक पेंगुइन के बच्चे को उठाकर ले जाने के लिए उस पर अटैक करने का मन बनाया, तो देखिए कैसे सारे के सारे पेंगुइन से गोला बना के खड़े हो गए और गोले के अंदर अपने बच्चे को छिपा लिया। बेचारी पेट्रोल चारों तरफ से गोल गोल घूमती रही, मगर उसे कहीं से भी इस चक्रव्यूह का तोड़ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार हार मानकर पेट्रोल को मैदान छोड़ना ही पड़ा। नंबर 3, वाइल्ड बीस। यहाँ आप देख सकते हैं वाइल्ड बीस कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए इन दो दो सियानों से अकेले ही लोहा ले रहे हैं। इसका बच्चा भी आराम से बैठा है, वो बिल्कुल निश्चिंत है कि उसकी माँ उसे कुछ नहीं होने देगी। दोनों सियार मिलकर प्लान बनाते हैं कि अलग अलग साइड से बच्चे पे हमला करेंगे। वाइल्ड बीस बेचारी चकर घिन्नी हो जाएगी, मगर वो भूल गए कि वाइल्ड बीस इस समय एक माँ का रोल प्ले कर रही है और वो हार नहीं मानेगी। आखिरकार सियार ही थक हार कर वापस लौट गए। नंबर 2, मंके। ये वीडियो क्लिप आपका दिल जीत लेगे। यहाँ एक बंदर का बच्चा कुएं में गिर गया है और उसकी माँ कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो कभी अपनी पूंछ नीचे लटकाते हैं ताकि उसका बच्चा उसे पकड़ के बाहर आ सके, तो कभी बैलेंस बनाकर उसे हाथ देते हैं। आखिरकार बड़ी मशक्कत और कोशिशों के बाद माँ अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 1, एलिफेंट। वैसे तो हाथी का साइज देखकर खतरनाक से खतरनाक शिकारी भी हाथी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता, फिर चाहे वो शेर हो, लेपर्ड हो या हाइना। मगर जब बात आती है हाथी के बच्चों की, तो इन शिकारियों के मुंह में पानी आने लगता है। ऐसे में मम्मा एलिफेंट की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्हें अक्सर इन शिकारी जानवरों से अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। हाथी अक्सर झुंड में रहते हैं और अपने बच्चों को बीच में ही रखते हैं ताकि उन्हें इन शिकारियों के सीधे हमले से बचाया जा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं।